अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये मेरी वीडियो सीरीज़ जो है आप वेबसाइट बनाने के लिए, ये उसका पार्ट 3 है, ठीक है। और इसमें मैं आपको बताऊँगा मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ये आ गया मेरा चैनल। इसमें हमने जो है वो सीरीज़ बनाई थी कि हाउ टू मेक वेबसाइट बेसिक टू एडवांस। हम वेबसाइट लर्निंग कर रहे थे, जिसमें हम बिल्कुल इनिशियल से जो है वो स्टार्ट लिया था, और इसमें हम जो है वो आगे की तरफ जा रहे थे। पहला पार्ट, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उसके लिए आप यहाँ सर्च में वी डू इट SB लिखिए यूट्यूब में। उसमें ये बाबा जी प्रोडक्शन के नाम से ऐसे चैनल आएगा, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से बेल आइकन को जो है वो क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो सब दिख सकें। उसके बाद में यहाँ पे इसका पार्ट 1 है, कि जिसमें हमने बिल्कुल ज़ीरो से बताया था कि वेबसाइट बनानी शुरू कैसे करते हैं। इसमें जो था वो उसके एडवांस सिस्टम थोड़े से अगला स्टेप था, कि उसमें हम उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, कमांड्स को कैसे देखते हैं, ठीक है। और उसमें डिफ जो है वो हमने देखा था, और उसके अंदर में हमने स्पैन को कवर किया था, कि एक ऑप्शन जो है वो कैसे होती हैं, उसके बाद में कि स्टाइल कैसे देते हैं अपने किसी भी टेक्स्ट को, ठीक है। तो आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि CSS। CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको यूज़ करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका जो मैं आपको सेकेंड वीडियो में बता चुका हूँ, इन लाइन में ये होता है कि आप स्टाइल लिखते हैं, आगे में उसके जो है वो इज़ इक्वल टू का साइन लगा के डबल एरोस, ठीक है। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ आपने इन लाइन में तो ऐसे होता है कि आपने लिखा स्टाइल इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट एंड क्लोज, उसके बीच में जो भी ऑप्शन है, जैसे कि बैकग्राउंड, ठीक है, तो बैकग्राउंड लिखा, उसके बाद में आगे जो भी उसका कलर का कोड होगा वो आपने लिख दिया, और इस तरह से आपका ये होता है इन लाइन कोड। इन लाइन कोड में आप किसी एक लाइन को ख़ास तौर से जो है वो डिज़ाइन दे सकते हो। और दूसरी उसमें ऑप्शन होती है इंटरनल। इंटरनल में ये होता है कि जो आपके पास में ये पेज है ना, इस पेज में जो है टॉप में, यहाँ पे हम इसका व्यू सोर्स करते हैं, ये देखें, ये हेड में, हेड के अंदर में, यहाँ से हेड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ हेड क्लोज हो रहा है, हेड के अंदर में जो भी स्टाइल के कॉलम में आप जो है उसमें लिखेंगे वो इस पेज के ऊपर में आएगा। अच्छा, अब इसमें यह है कि इंटरनल के अंदर में ये होता है कि आपको हर पेज के लिए डिफरेंट से स्टाइलिंग लिखनी पड़ेगी, ठीक है। उसको ओवरकम करने के लिए, कि अगर आप सपोज़ आपके पास 2 या 3 पेज हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास में जो है वो 10-20 पेज हैं, तो आप हर किसी एक पेज का जो है वो कोड तो नहीं लिखेंगे, उसके स्टाइलिंग तो अलग अलग से नहीं देंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके लिए एक्सटर्नल एक फाइल बना लेते हैं CSS की एक्सटेंशन के साथ, जिसको हम उसमें अपने हर पेज में जस्ट कॉल कर लेते हैं, और उसमें जो है वो सबकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जितने भी टैग्स हम यूज़ करेंगे, जैसे कि बॉडी का टैग हो गया, ये लिंक का टैग हो गया, पैराग्राफ का टैग हो गया, ये जो लिस्टिंग होती है उसका हो गया, इमेज का हो गया, उसका सब कुछ हम एक फाइल में लिख देंगे, और उसके बाद हम इसको यहाँ कॉल कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की बात जो है वो समझ आ गई होगी। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि करना किस तरह से है। अच्छा, सबसे पहले तो इसको जो है मैं आज आपको एक नई चीज़ दिखाऊंगा, कि आपने ये देखा होगा कि लास्ट टाइम हम लोग सिंपल नोट पैड यूज़ कर रहे थे, लेकिन इस बार कुछ थोड़ा सा फ़र्क है, इसमें कलर वगैरह भी सब आपको दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो आप भी नोट पैड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि ये थोड़ा सा मॉडर्न लुक टाइप का टाइपिंग के लिए, तो आप नोट पैड प्लस प्लस जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने का तरीका नहायत ही आसान है। उसके लिए आप जाएंगे गूगल में, ठीक है, गूगल में जाके आप यहाँ लिखेंगे नोट पैड प्लस प्लस, ठीक है। ये आपने लिखा नोट पैड प्लस प्लस, ये उसका होम आ गया। ये जो है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये देखें जो आपके टॉप पे है, ये 7.5.2 रिलीज, और इसको जो है आप क्लिक कीजिए, उसके बाद में यहाँ डाउनलोड आ गया है, इसको डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, मेरे पास ऑलरेडी है, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लें, उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लें अपने कंप्यूटर में, ठीक है। इसके लिए इतना ही है।
अच्छा, अब वो जब इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको यहाँ पे ओपन करते हैं। अब ये हमारे पास में है सारी उसकी कोडिंग, जो ये पेज हमने डिज़ाइन किया हुआ है इसकी कोडिंग अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अच्छा, अगला स्टेप, अब हमने आपको बताना है कि पहले सबसे पहले था कि इसमें हमने स्टाइल शीट वगैरह जो यूज़ करनी है वो किस तरह करनी है, इन लाइन कैसे लिखना था, वो आपको मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ लेकिन इसमें आज फिर बताऊँगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको करते हैं स्टार्ट। इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ से गए हम, इसमें सपोज़ हमने H1 जो हेडिंग है हमारी उसको हमने ये जो वेलकम लिखा है इसको थोड़ा सा कलराइज किया, उसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाना है। ओके, तो हम यहाँ पे इसको स्पेस देंगे, इसको कहते हैं इन लाइन, ठीक है। ये टैग के अंदर में ही आपने डिफाइन कर दिया है कि इसको लुक किस तरह से होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप गए, यहाँ जाके आपने लिखा स्टाइल इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट क्लोज। यहाँ पे अब आप इसको कह रहे हैं कलर कॉलन हैश, इसको से हम कहते हैं रेड, ठीक है। सेव किया, इसको यहाँ आके रिफ्रेश करें। सॉरी, इसको यहाँ पे ये नहीं आएगा। ओके, ठीक है, उसमें वो हैश नहीं आना था। अच्छा, ये आपने देख लिया, इस तरह से आप इसको इन लाइन जो है वो कोड दे सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ये है कि यहाँ पे आपने इसको इन लाइन दे दिया, अब आप चाहते हैं कि आप जो है वो कुछ इन चीज़ों को डिफाइन करें। डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होता है, इन लाइन जो है वो तो वन लाइनर हो गया, आपने देख लिया, ठीक है। अब इसको हम यानी कि अगर यहाँ से सिंपल जो है वो COLOR करके रेड करके भी सेव करें, रिफ्रेश करें, तो ये जस्ट टेक्स्ट जो है वो चेंज हो गया, ये आपका आ गया इन लाइन जो है वो आपका स्टाइल आ गया। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक स्टाइल टैग जो है ना, जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा स्टाइल और यहाँ पे आपने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया और यहाँ पे क्लोजिंग टैग कर दिया। अब यहाँ स्टाइल में जो भी चीज़ आप लिखेंगे, ठीक है, वो आपकी शीट पे इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा बॉडी, ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, ठीक है। उसके बाद आपने सपोज लिखा कि बैकग्राउंड कलर कलर और कॉलन और से पाउडर ब्लू एंड ये क्लोजिंग, ये हो गया वन लाइन टैग, ठीक है। यहाँ इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। अच्छा, अब आपने ये स्टाइल में जो है वो लिख दिया, सेव किया, अब आपकी ये पूरा बैकग्राउंड जो है देखें वो इस पेज पे इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। इसमें ये होगा कि आप जब जब आगे आगे फाइलें सेव करते जाएंगे उसमें आपको इसको हर टाइम में कोई ना कोई चेंज करना पड़ेगा, जो जो जहाँ ज़रूरत होगी चेंज करने की वो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ये हो गया कि ये आपने देख लिया कि ये कलर चेंज करने के लिए आ गया बॉडी, ठीक है। इस तरह अब हम इसको हेडिंग वन को यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, जैसे H1, ठीक है, स्पेस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, यहाँ पे हम इसको कहते हैं जी फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में आप करते हैं से वरदाना, ठीक है, या हम इसमें भी आप कह लें कि जस्ट हम सिंपल, बिल्कुल सिंपल रखते हैं पहले, बाद में इसको डिटेल में जब सी एक्सेस करेंगे तो फिर मैं आपको वो सारा इसमें बता दूंगा। एक्सक्यूज मी, ओके। और इसी तरह हम पी जो है उसका कलर जो है वो हम कर देते हैं रेड, को सेव करते हैं और ये हेयर वी गो, ये देखें ये पैराग्राफ लिखा था ये भी चेंज हो गया, हेडिंग वन भी चेंज हो गया,
और ये बैकग्राउंड आपने देख लिया, चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा कि यहाँ पे हेडिंग में हमने कलर लिखा ब्लू, बट यहाँ पे जो है वो रेड है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने इस टैग को यहाँ पे इन लाइनर कोड दिया हुआ है। अगर हम ये इन लाइनर नहीं देते, सपोज हम इसको कट कर लेते हैं, सेव करके रिफ्रेश करते हैं, अब यहाँ ब्लू आएगा। लेकिन अगर सपोज आपने किसी एक, जैसे हेडिंग वन है, सपोज आपके पेज में 10 जगह पे हेडिंग वन यूज़ हो रही है, ठीक है, उसमें सब का कलर ब्लू है, लेकिन जहाँ आप इन लाइनर आप देंगे वहाँ पे उसका कलर वो होगा जो आपने इन लाइन में लिखा होगा, ठीक है। तो ये इसका जो है वो तरीकाकार है, ये हो गया इन लाइन का। इसमें आप सारी हेडिंग्स जो हैं वो डिफाइन करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि एक्सटर्नल लिंक हम कैसे यूज़ करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक फाइल को, न्यू फाइल ओपन करते हैं, इसको सेव एज करते हैं। हमारी वेबसाइट में CSS में गए, यहाँ जाके नाम दे दिया स्टाइल डॉट CSS और इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास में स्टाइल डॉट CSS ओपन हो गया। अब हमने इसको कॉल करना है हमारे इस जो ये हमारा मेन पेज है और जितने भी पेजेस होंगे हमने इसको कॉल करना है, ठीक है। उसको एक्सटर्नल को कॉल करने के लिए सिंपल मेथड है, आप एंगल ब्रैकेट लिंक लिंक कराते हैं उसको, उसके बाद में जो है उसका रेफरेंस देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे स्टाइल शीट, उसके बाद में यहाँ पे उसका लिंक देंगे और यहाँ टैग क्लोज कर देंगे। उसका लिंक था जी स्टाइल डॉट CSS। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि हमने यहाँ पे लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने वेबसाइट का एक फोल्डर बनाया था और उसमें फिर हमने इमेज का फोल्डर और जावास्क्रिप्ट का फोल्डर और CSS का फोल्डर बनाया था। तो अभी हमने, आपने देखा कि CSS के फोल्डर में जाके जो है वो फाइल हमने रखी है, ठीक है। तो CSS में है स्टाइल शीट जो है, अगर आप उसको यहाँ पे जस्ट स्टाइल डॉट CSS करेंगे तो वो पिक नहीं करेगा। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा CSS बैक स्लैश एंड स्टाइल CSS। इस तरह से करने से आपके पास में वो आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको जो है वो बताता चलूँ, जब आप स्टाइल शीट में यही चीज़ें जो है ना आप मेंशन करते हैं, सपोज यहाँ से हम इसको कटिंग कर लेते हैं, सेव, यहाँ जाके इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब इसमें देखें, यहाँ पे आपने इसको इस तरह से इस तरह ये आपने इसको सेव कर लिया, वो एक लाइन में भी लिखेंगे कोई बात नहीं है, जस्ट हम इसको कर लेते हैं। अब आप रिफ्रेश करें, सेम, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि हमने वो फाइल लिंक कराई हुई है। लेकिन यहाँ पे आपने इंडेक्स में से ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर भी वो टेक्स्ट उसके पास में वो कायम है। उसकी वजह क्या है कि आपने इसको लिंक करा दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें चलते हैं कि कुछ ऑप्शंस की तरफ। सपोज के हम लोग जो हैं वो इसमें जो है, अब हम आपको बताऊंगा कि ना फॉन्ट्स और फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट साइज, ये जो चीज़ें हैं ना ये कैसे करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम स्टाइल शीट जो है वो भी कर सकते हैं, ओके। और उसके लिए जो है हम लोग, बाकी मैं आपको जो उसके मेन मेन कुछ चंद फीचर जो बेसिक्स है ना वो मैं आपको बताने लगाऊँ, जो CSS के बेसिक्स फीचर्स हैं। अच्छा, बॉडी में अभी आपने कॉन्ट्रास्ट देख लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे H1 हेडिंग को ही हम लेते हैं, इसमें यहाँ पे आ गया कलर ब्लू, ठीक है। उसके बाद में हम इसको थोड़ा सा स्टाइल देना चाहते हैं, फॉन्ट फैमिली में जाएंगे, कॉलन स्पेस दे के यहाँ पे लिख देते हैं वरदाना, उसके बाद एंटर। यहाँ पे हम सपोज उसको दे देते हैं फॉन्ट साइज़। अच्छा, ये कमांड्स आप कैसे याद रखेंगे, इसके लिए आपके पास जो हैं कुछ कमांड्स वो आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, कि कौन सी कमांड किस तरह की होती है। लेकिन अगर आप ड्रीम वीवर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप एक एक वर्ड लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे लिस्ट में दिखाता जाता है। लेकिन अगर आपने पूरा कोड खुद से टाइप करना है इस तरह से शीट बना के, तो उसके लिए आपको ये याद होनी चाहिए कि कौन सी कमांड किसके लिए क्या काम करती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसकी तरफ आगे, यहाँ पे हमने इसको सेव किया, यहाँ जाके रिफ्रेश किया, ये देखें उसका स्टाइल चेंज हो गया।
अब ये 300% के ऊपर में ये इसकी वो आ गई है जो हेडिंग है, ठीक है, उसका फॉन्ट साइज़ और जो उसका फॉन्ट है वो आपने देखा कि वरदाना जो है फॉन्ट फैमिली वरदाना में चेंज हो गया है। और ठीक है, इसी तरह अब हम चलते हैं इसकी तरफ, यहाँ पे हम इसको फॉन्ट फैमिली जो है वो कर देते हैं सपोज कुरियर, CORRIER, ओके, और इसका फॉन्ट साइज़ जो है वो हम कर देते हैं 160% से 150 ला, सेव एंड रिफ्रेश एंड हेयर वी गो। सो देखा आपने कि ये कुरियर फॉन्ट हो गया और इसका साइज़ 160 50% हो गया, और यहाँ पे आपने देखा ये 300% है, कलर ब्लू है। इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसमें जो जो आप यहाँ करते जाएंगे वो जो भी आप ऑप्शंस लिखते जाएंगे, जैसे अब इमेज है, इमेज को कोई सेटिंग देनी है तो वो वगैरह जो आप लिखते जाएंगे वो वहाँ पर आता चला जाएगा, ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। अच्छा, अब हम चलते हैं जनाब हमारे देखते हैं अब हम अपना बॉर्डर कैसे लगाना है, ठीक है। ये जो है पी का जो फॉन्ट है, जो टैग है, इसमें हम यूज़ करते हैं बॉर्डर, इसमें हम बॉर्डर में गए 1 पिक्सल स्पेस देके इसको करते हैं सॉलिड, और इसको करते हैं ब्लैक क्योंकि ओके एंड हेयर वी गो। यहाँ आपने देखा कि ये इसके इर्द गिर्द बॉर्डर आ गया है, ठीक है, ऑल राइट। हम अगली चीज़ जो है वो देखते हैं पैडिंग। पैडिंग में ये है कि आपके बॉर्डर से जो भी बॉर्डर्स हैं उसमें कितना गैप जो है वो देना है, तो यहाँ पे आते हैं पैडिंग लिखते हैं कॉलन, उसके बाद में इसको कर देते हैं 30 पिक्सल, यहाँ जाके रिफ्रेश करते हैं और ये आपने देखा कि वो उसमें चारों तरफ से 30 पिक्सल जो हैं वो उसके ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। ये है आपने इसकी लुक को बेटर करने के लिए। ये अब आपके पास सपोज कर लें कि कोई बैनर सा बना लिया आपने, ठीक है, ये उस बैनर के ऊपर में वही जहाँ पे चीज़ आ रही है आप आपके पास में। अच्छा जी, अब इसमें हम चलते हैं मार्जिन्स में, ठीक है, हम इसको जो ये वर्ड पैडिंग है इसको हटा के यहाँ मार्जिन कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, अब आपने ये देखा कि यहाँ से इसको आप डाउन साइड और नीचे यहाँ से इसको 50 पिक्सल का मार्जिन मिल गया, यानी कि स्पेस उसको मिल गई है आगे की तरफ उसने कर लिया है, ठीक है। अगर हम सपोज़ इसको 150 करते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ से भी 150, यहाँ से भी 150, यहाँ से भी 150, नीचे से भी 150, और इस तरह से इसने इसको पैराग्राफ को सेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें से 100 निकालते हैं, सेफ रिफ्रेश, ये आ गया आपका 50% पे। यहाँ पे एक ऑप्शन होती है जिसे कहते हैं ज़ीरो एंड ऑटो, सेफ रिफ्रेश, ये आपका जो इमेज होगा, ये जो आपका पैराग्राफ है इसने इसको कॉर्नर टू कॉर्नर सेट कर दिया है और इसको सेंटराइज कर दिया, ठीक है। इस तरह से जब हम CSS डिटेल से देखेंगे उस टाइम में हम ये काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की कमांड जो हैं वो कवर करेंगे, अभी में था कि बेसिक था तो इसलिए। अच्छा, अब आपने एक चीज़ देखनी है कि मैं पहला पैराग्राफ मैं चाहता हूँ कि जी इस तरह का दिखे, लेकिन दूसरा पैराग्राफ जो है वो ऐसा नहीं दिखना चाहिए, तो हम इंडेक्स में जाते हैं और ये पैराग्राफ को लेके ऐसे एग्जैक्टली यहाँ से कॉपी किया और यहाँ लिस्ट के नीचे लाके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास दो पैराग्राफ हो गए ना, ओके। लेकिन आपने देखा कि डिज़ाइन जहाँ जहाँ पे पैराग्राफ का टैग लगा है वहाँ वहाँ डिज़ाइन सेम आएगा जो हमने स्टाइल शीट में लिखा है इधर में, लेकिन हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे जो है वो हम ये नहीं चाहते कि ये दोनों जो पी टैग हैं, पैराग्राफ टैग्स हैं,
उन दोनों पे सेम ये आए जो स्टाइल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इंडेक्स में जाके ये पी टैग को आईडी दे देंगे। पी टैग को हम यहाँ पे दे देते हैं आईडी इज़ इक्वल टू ये P1 सपोज, और यहाँ पे इसको दे देते हैं नीचे जाके यहाँ पे P2। अच्छा, अब आप इसको रिफ्रेश करें, अभी तक इसमें कोई चीज़ नहीं हुई क्योंकि P वहाँ पे मेंशन है, लेकिन जैसे ही मैं जाके इसको यहाँ पे हैश और P1 करूँगा और यहाँ के रिफ़्रेश करूँगा तो सिर्फ यहाँ वाले में वो रह जाएगा, बाकी में यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने टैग्स को आईडी दे दिए, हमने टैग्स को दे दिया आईडी यहाँ पे, ये हमने इसको आईडी दे दिया और यहाँ ये इसका आईडी यहाँ पे टैग में लिख दिया, तो अब ये सिर्फ जिसकी वो आईडी होगी उसी के ऊपर में स्टाइल इम्प्लीमेंट होगा। सपोज़ करते हैं हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ इसको P2 कर देते हैं, अब यहाँ रेड की जगह में इसको येलो कर देते हैं और यहाँ पे 100 कर देते हैं और यहाँ इसको पिक्सल साइज कर देते हैं, यहाँ इसको कर देते हैं 10 पिक्सल। अब इसको रिफ्रेश करें, अब आपने देखा कि दो का डिफरेंस, क्योंकि वो P2 पे हमने अप्लाई किया है उस आईडी पे और ये जो स्टाइल है हमने P1 पे अप्लाई किया है इस आईडी पे, अब ये इन दोनों के स्टाइल डिफरेंट हो गए, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी बेसिक आज में के लेक्चर में कि CSS जो है स्टाइल शीट जो है वो कैसे देते हैं, इनलाइन कैसे देते हैं, उसके अलावा जो है हम उसको जो है इंटरनल कैसे देते हैं और एक्सटर्नल कैसे देते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और भी चीज़ जो है वो बताना चाहूँगा, लास्ट चीज़ है वो है क्लास एट्रीब्यूट। क्लास में ये होगा कि आप कोई भी एक क्लास बना लेंगे, ठीक है, और उस क्लास को वो जो क्लास है उसको आप जितने टैग्स होंगे उसमें आप सेट कर सकते हैं। सपोज़ के फॉन्ट साइज़ हमने एक चीज़ जो है वो उसकी क्लास बना दिया, अब जहाँ जहाँ हम उसको क्लास को कॉल करेंगे उस टैग के ऊपर में वही हेडिंग या फॉन्ट साइज़ या फॉन्ट फैमिली जो होगा वो इम्प्लीमेंट होता चला जाएगा, ठीक है, वो ये है क्लास का पर्पस। उसके लिए आप क्या करते हैं, सेम मेथड है कि आपने यहाँ पे आईडी लिखा, ठीक है, यहाँ पे आप स्पेस देके उसको क्लास कर दें, क्लास इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट क्लोज, इसमें आप सपोज दे दें कि एरर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें होगा ये कि आईडी P2 है और वो एरर। अच्छा, अब हम इसको यहाँ पे इधर जाते हैं, यहाँ पे जाके हम इसको कहते हैं P.error, ठीक है, ये P.error करके इसको हमने यूं किया और यहाँ पे जस्ट कलर हमने चेंज कर दिया, सेव, ओके, और यहाँ पे आपने इसकी क्लास डिफाइन कर दी, ये देखें इसका कलर रेड हो गया। अब मैंने सपोज़ ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट की ये वाली लिस्ट है, इसमें भी जो है वो वही क्लास को कॉल करना है, मैं चाहता हूँ सिर्फ ये वाली जो लिस्ट है ये मुझे रेड कलर में, एरर की क्लास हम इसके लिए कॉल करेंगे, तो यहाँ पे लिस्ट में जाके स्पेस क्लास इज इक्वल टू स्टार्ट क्लोज और यहाँ जाके लिख दो एरर, सेव, रिफ्रेश, सॉरी मैं एक चीज़ आपको बोलना भूल गया, इसको हम जो है वो कॉमन क्लास भी बना सकते हैं, जैसे कि इसको अभी हमने P लिखा है तो इसका मतलब जिस P में मैं क्लास को कॉल करूँगा सिर्फ वो ही आएगा, लेकिन मैं यहाँ से इससे मैं P हटा देता हूँ, डॉट एरर रहने देता हूँ, तो अब आप रिफ्रेश करेंगे, ये देखें ये जहाँ जहाँ मैं क्लास कॉल कर रहा हूँ वो वहीं वहीं पर उसमें रेड दिखाएगा, ठीक है। ये बात आपको अच्छा होता है कि जब हम कोई चीज़ सिखा रहे होते हैं उसमें कोई एरर आए तो एरर से ज़्यादा बंदा सीखता है बनिस्बत इसके के ट्रेनिंग से सीखे, ठीक है। तो आपने देखा कि आपने ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा, तो उसमें क्या चीज़ की कमी थी कि हमने यहाँ एरर से पीछे टैग डिफाइन किया हुआ था। अब अगर मैं इसको यहाँ li करके रिफ्रेश करूँ तो यहाँ रह जाएगा लेकिन यहाँ पर वो देखो रेड नहीं हुआ, हालाँकि मैंने क्लास जो है
वो यहाँ भी कॉल की हुई है, ये देखें ये पैराग्राफ में भी मैंने कॉल की है ये क्लास, बट यहाँ रेड नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने यहाँ स्टाइल में लिस्ट मेंशन कर दिया कि सिर्फ लिस्ट का एरर जो है क्लास ये होनी चाहिए। तो हम इसको क्लोज कर, इसको हटाते हैं। अब ये ओपन है एरर क्लास, ये जहाँ जहाँ कॉल होगी वहाँ वहाँ पे टेक्स्ट रेड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो आज के लिए इसमें लेक्चर में जो था वो CSS के बारे में ही था। तो अगला जो लेक्चर होगा हम उसमें जो कवर करेंगे वो होगा मेन्यूज़ कैसे बनाते हैं। ठीक है, जो टॉप बार मेन्यूज़ होते हैं और नेविगेशन जिसको आप कहते हैं वो हम किस तरह से बनाते हैं, उस पर वर्कआउट करके वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।